दोस्तों आज पूरे देश को पता है कि राबिया सैफी को कितनी बेरहमी से मारा गया है। उसके शरीर पर इतनी चाकुओं से वार किया गया है कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि यही राबिया सैफी है, यही संगम बिहार की बच्ची है, यही सिविल डिफेंस में काम करने वाली बच्ची है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको राबिया सैफी के मौत से पहले कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज आपको दिखाने वाला हूँ जो दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वो तस्वीर, वो फोटोज, वीडियो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि राबिया सैफी के साथ ऐसा भी हुआ था। दोस्तों जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे राबिया सैफी के मौत के मामले का राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। दोस्तों सवाल यहाँ ये है कि अभी तक इन तस्वीरों को क्यों नहीं दिखाया गया, अभी तक ये तस्वीरें कहाँ थी, अभी तक लोगों के सामने ये तस्वीरें क्यों नहीं आ रहा था, राबिया सैफी के मौत से इतने दिनों बाद ये तस्वीरें कैसे दिखाई गई, ये तस्वीरें कहाँ छुपी हुई थी और इतने दिनों बाद इन तस्वीरों को क्यों वायरल किया जा रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है दोस्तों, एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तस्वीर हमें मिला हिंदुस्तान लाइव फेसबुक पेज से। दोस्तों ये तस्वीर निजामुद्दीन और राबिया का तस्वीर बताया जा रहा है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं निजामुद्दीन और राबिया अपने निकाह नामा के पेपर को हाथों से पकड़े हुए हैं। दोस्तों और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तस्वीर पर निजामुद्दीन और राबिया बिल्कुल सामने बैठी हुई है और राबिया कुछ पेपर पर साइन कर रही है। उसके बाद दोस्तों और भी तस्वीर मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी निजामुद्दीन और राबिया का तस्वीर बताया जा रहा है। और भी तस्वीरें हैं दोस्तों, ये भी तस्वीर आप देख लीजिए जो निजामुद्दीन राबिया को अंगूठी पहना रहा है, ये भी तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, ये मैरिज सर्टिफिकेट बताया जा रहा है, निकाह नामा बताया जा रहा है, जो एक तरफ निजामुद्दीन का फोटो लगा हुआ है और एक तरफ राबिया की फोटो लगा हुआ है। दोस्तों ये निकाह नामा बताया जा रहा है निजामुद्दीन और राबिया का। ये तस्वीरें दोस्तों बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन के फोन से बरामद हुआ है। ये भी तस्वीरें आप दोस्तों देख सकते हैं जो निजामुद्दीन और राबिया की अम्मी की तस्वीरें हैं जो निजामुद्दीन के फोन से मिला है। दोस्तों सवाल यहां बहुत बड़ा है, आपको क्या लग रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है, आपको लग रहा है, ये दोस्तों सभी को लग रहा है कि ये फोटोशॉप से किया हुआ है, ये फोटोशॉप का कमाल है। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है, हकीकत आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, ये हकीकत है या नहीं है। दोस्तों सवाल यहाँ ये है कि इतने दिनों बाद ये तस्वीरें क्यों सामने आई, राबिया सैफी के मौत के लगभग एक महीने बाद ये तस्वीरें क्यों दिखाई गई, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साजिश है और क्या मामला है। दोस्तों इतने दिनों बाद इन तस्वीरों को क्यों वायरल किया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, ताकि लोग राबिया सैफी के इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाए, ताकि लोग खामोश हो जाए राबिया सैफी के मामले को लेकर, ताकि लोग भूल जाए कि राबिया सैफी का कत्ल किसने किया, ताकि लोग भूल जाए कि राबिया सैफी को किसने मारा है। दोस्तों इन तस्वीरों से ये साफ पता चल जाता है कि निजामुद्दीन और राबिया सैफी ने हकीकत में वाकई में निकाह की थी, शादी की थी, और राबिया सैफी का हस्बैंड निजामुद्दीन था और निजामुद्दीन की वाइफ थी राबिया सैफी, तो मामला यहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इतने दिनों बाद ये तस्वीरें क्यों दिखाई जा रही है। ये तस्वीर दोस्तों निजामुद्दीन के सरेंडर के दूसरे दिन भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन उस दिन क्यों नहीं दिखाई गई, अभी इतने दिनों बाद ये तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है। दोस्तों चलिए इन तस्वीरों को देख करके एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं, ये यकीन कर लेते हैं कि निजामुद्दीन और राबिया आपस में पति पत्नी थे, निजामुद्दीन ने राबिया से निकाह की थी, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं एक पल के लिए। लेकिन इस बात को कैसे माने, इस बात पर कैसे यकीन हो कि निजामुद्दीन ने ही राबिया को मारा है, निजामुद्दीन ने ही राबिया को इस दुनिया से रुखसत किया है, इस बात पर कैसे यकीन होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो निजामुद्दीन
दिखाए उन तस्वीरों को जब वो राबिया के शरीर पर चाकू मार रहा था। उन तस्वीरों को दिखाइए जब राबिया की जान जा रही थी। उन तस्वीरों को दिखाए कि राबिया को किस तरह से मारा गया है। निज़ामुद्दीन इस बात की पुष्टि करे, निज़ामुद्दीन वो तस्वीर दिखाए, तब हम यकीन करेंगे, इस तरह से यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, इन तस्वीरों को देख करके ये सच्चाई मानने की कभी हिमाकत नहीं करना कि निज़ामुद्दीन ने ही राबिया को मारा है। दोस्तों, सच अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके भी मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे। उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे।